उप मुख्य पार्षद समेत 10 वार्ड पार्षदों ने पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कराए कार्य में हुए अनियमितता और राशि के गमन को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। नगर पंचायत बरारी के उप मुख्य पार्षद अमन कुमार व 10 वार्ड पार्षदों ने नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव को आवेदन देकर पूर्व कार्यपालक रणधीर लाल के द्वारा कराए गए कार्य को लेकर असंतोष जताया है। उन्होंने बरारी की डाक बंगला में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि पूर्व के कार्यपालक रणधीर लाल, जिनका कार्यकाल 3 अक्टूबर 2023 से 4 जुलाई 2024 तक था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी रणधीर लाल ने बिना सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों की सहमति में, बिना उनको जानकारी दिए, अपने कार्यकाल के दौरान मनमाने ढंग से कई तरह के कार्य व खरीदारी की, जिसमें मुख्य रूप से स्ट्रीट लाइट की खरीदारी, सीसीटीवी कैमरे की खरीदारी, जेसीबी व मालवाहक की खरीदारी की गई, जिसमें भारी कमीशन खोरी व हेरफेर किया गया है। साथ ही 3 स्थायी समिति सदस्यों के हस्ताक्षर से नगर पंचायत के सभी वार्डों में नाला सफाई की सहमति दी गई, जबकि नाला सफाई का कार्य हुआ भी नहीं और राशि का उठाव कर दिया गया। ये सभी उच्च स्तरीय जांच का विषय बनता है। वहीं उप मुख्य पार्षद ने बताया कि भगवती मंदिर के सामने लगभग 22 लाख रुपए की लागत से एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जो मात्र 15 दिन चलकर अभी तक बंद है। बरारी हाट पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है, जो दुर्गा पूजा में भी नहीं खुल पाया। वहीं उप मुख्य पार्षद ने कहा कि सरकार द्वारा मिला राजस्व गैर जरूरी कार्यों में खर्च किया गया, जबकि स्थायी समिति सदस्यों की मर्जी से नगर पंचायत में बहुत सारे विकास के कार्य करवाए जा सकते थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरारी नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद अमन कुमार, वार्ड पार्षद अनीता देवी, वार्ड पार्षद अर्जुन मंडल, वार्ड पार्षद रिंकी देवी, वार्ड पार्षद राजेंद्र कुड़ैल, वार्ड पार्षद साहिरा खातून, वार्ड पार्षद रामनाथ चौधरी, वार्ड पार्षद पिंटू चौधरी, वार्ड पार्षद राधिका देवी आदि ने प्रधान सचिव से उच्च स्तरीय जाँच कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग हमारे द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार के विरुद्ध मांग को लोगों के बीच लाने के लिए यहाँ आए, उसका धन्यवाद। और आगे ये कि हम लोगों ने जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की राशि आई थी नगर पंचायत बराड़ी के विकास के, उसमें हुए अनियमितता के खिलाफ हम लोगों ने जो है पत्र लिखा है नगर विकास मंत्री को, मुख्यमंत्री को, उसके बाद प्रधान सचिव को, उसके बाद अपने जिला के पदाधिकारी को, जिला पदाधिकारी को और वर्तमान कार्यपालक को भी, कि इस पर जांच की जाए कि जो नगर पंचायत बराड़ी में वित्तीय वर्ष के राशि के दुरुपयोग को दिखलाया गया है, कि कैसे स्ट्रीट लाइट जो आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं लगी है तो खराब हो चुकी है अभी कम ही समय में, उसके बाद वित्तीय वर्ष में जो जितना भी चीज़ लिया गया, जैसे जेसीबी लिया गया वो पड़ा हुआ है, यानी 8 महीने से वो खड़ा है वहाँ पर, नगर पंचायत कार्यालय के बगल में खड़ी है वो 8 महीने से कुल, उसका कोई उपयोग नहीं। आज मान लीजिए नगर पंचायत बराड़ी में पानी की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, अगर उसके बदले अगर हम लोग ये ले लेते, टैंक लोरी ले लेते पानी निकालने वाला, तो आज हम लोग जो ये बेकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं पानी निकालने के मद में, वो पैसा तो कम से कम हम लोगों का बचता। लेकिन इस पर यह सब बात नहीं करके, स्थायी समिति से बात किए बगैर पूर्व के कार्यपालक पदाधिकारी रणधीर लाल जी ने अपने मन से सारा क्रय कर लिया, और क्रय में बिना बेकार की वस्तुओं, मैं अभी कहूंगा कि ये सब जरूरी है विकास के लिए। क्या चीज उसमें क्रय किया गया है? आपको जेसीबी, उसके बाद टाटा 407 जिसको मालवाहक करके कहा गया है लेकिन वो पड़ा हुआ है, और 2 छोटी गाड़ियां हैं जो कि गली मोहल्लों में चलने के लिए है, कूड़ा उठाने के लिए, वो भी पड़ी हुई है पंचायत भवन में, और भी एलईडी स्ट्रीट लाइट जो है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि जैसे ही बराड़ी में आप प्रवेश कीजिएगा, भगवती मंदिर के आगे में बड़ी सी एलईडी लाइट, एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, वो तो खराब पड़ा हुआ है, जो 15 दिन मात्र चली, और अनुमानित राशि मुझे पता चला है कि उसका 22 से 23 लाख के करीब में क्रय उसका है, और आप सोचिए 15 दिन चलने के बाद 8 महीने से वो बंद पड़ी। तो ये सब पैसा अगर विकास मद में लगता तो आज बरारी जो आज ये कीचड़ में डूब जाता है हल्की बारिश में, वो आज नहीं डूबता। आज आपको देखिए वहां जाकर के सोनार पट्टी से लेकर के मलाकार चौक तक 14 जून को सड़क खोद करके छोड़ दिया गया है, उसका कोई देखने वाला उसको नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या मांग है आप लोगों की इसको लेकर? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों ने जो पत्र लिखा है उस पर कार्रवाई हो, डीएम साहब से लेकर के नगर विकास आवास विभाग प्रधान सचिव सभी लोग इस पर कार्रवाई करें,
ताकि आइंदा किसी भी प्रकार का जो है दुरुपयोग बरारी के राशि से नहीं हो। अच्छा, मेरा नाम अमन कुमार, उप मुख्य पार्षद नगर पंचायत बरारी।